हाँ तो रोशनी, यहाँ पे मिंडा इंडस्ट्रीज के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 0.5 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का 10% बढ़कर 2238 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अब इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 11.8% बढ़कर 142 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी को 127 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी 142, यानी कि अराउंड 15 करोड़ यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ा है। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो 49% बढ़कर 2238 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, अराउंड 50% का ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का बहुत ही अच्छा है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 142 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। अब ये देखिए, 14,416 करोड़ का यहां पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपको लगेगा यार, इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में ये आपको बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन देखिए, जो अभी कंपनी के रिजल्ट आए हैं, इससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा बढ़ेगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहां पे कम से कम आपको 150 से कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 6.16 टाइम्स है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉस्टली जरूर है, लेकिन देखिए, इसका जो होल्डिंग है उसमें से 70% का होल्डिंग अराउंड सिर्फ प्रमोटर्स के पास है और उसके अलावा 10% FIIs और DIIs दोनों के पास है। जो रिटेल का शेयर होल्डिंग है वो सिर्फ अराउंड 8-9% ही है। तो मार्केट में सप्लाई कम है, एक मेन रीजन ये भी है कि जिसकी वजह से ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू भी पिछले साल कम हो गया था और पिछले साल कंपनी को लॉस भी हुआ था और एट दी एंड जो लास्ट वाला क्वार्टर था जनवरी से मार्च वाला, उसके अंदर कंपनी के लिए इश्यूज थे। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर थोड़ा कंपनी के लिए अच्छा रहा है और जो रिसेंटली जो जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर है और अक्टूबर से दिसंबर वाला जो क्वार्टर था इससे पहले वाला, ये दोनों क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब ये देखिए, 612 पे यहाँ पे मिंडा इंडस्ट्रीज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन पे ये अराउंड 5% ये स्टॉक ऊपर था। और अगर आप देखोगे तो इसका जो अभी ये टिकट है पे मेरे ख्याल से कुछ इश्यूज चल रहा है, क्योंकि ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई ये 228 दिखा रहा है। अब उसका रीजन क्या है? अब देखिए, मिंडा इंडस्ट्रीज फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक नजर आता है और जिस तरीके से ऑटो एंसिलरीज का जो आने वाले समय में जो फ्यूचर ग्रोथ हमें नजर आता है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए, जो प्रीमियम वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो देखिए, हमेशा ये स्टॉक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा अनटिल एंड अनलेस अगर यहाँ पे कोई स्टेक डाइवेस्ट नहीं करता, मतलब कोई म्यूचुअल फंड अगर इसमें स्टेक नहीं बेचता है और अगर कोई फॉरेन इन्वेस्ट इसके अंदर अगर स्टेक नहीं बेचेगा, तो तब तक आपको ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो वैल्यूएशन का कंसर्न मेरे ख्याल से एज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर यहां पर आपको नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम देखने वाले हैं तो वहां पर भी ये कंपनी एक अच्छा रोल प्ले करती हुई नजर आ सकती है। तो इसीलिए यहां पर एक एग्रेसिव कॉल मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से यहां पर ली जा सकती है। दोस्तों, में होप करता हूँ कि आपको मिंडा इंडस्ट्रीज के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।